नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ खास मेहमान इस बार विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। 5 बार सांसद विदिशा से ही लगातार, 6 बार विधायक, बीजेपी में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, और वहीं विदिशा पर जाकर एक बार फिर से आपकी लड़ाई आगे राजनीतिक चल रही है। 91 में अटल जी वहां से लड़े थे लखनऊ के साथ साथ, और फिर विदिशा उन्होंने जब छोड़ा तो उपचुनाव में आप जीते और फिर लगातार जीते। एक बार फिर जब 24 के चुनाव में आप विदिशा पहुंचे, आपके लिए ये लड़ाई कैसी दिख रही है चुनावी? लड़ाई नहीं, मुझे तो प्यार ही प्यार नजर आता है, क्योंकि पूरा संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। इसी संसदीय क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, यहीं पला बढ़ा, यहीं से मैंने संघर्षों की शुरुआत की जनता के लिए, यहीं से इमरजेंसी में मैं जेल गया, तो जो कुछ किया वो इसी धरती से शुरू किया, और यहीं की जनता की सेवा करते करते पूरा संसदीय क्षेत्र एक परिवार बन गया। वहाँ मैं नेता नहीं हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ या मामा हूँ। बुधनी से आप ज्यादातर विधायक रहे, लेकिन एक बार विदिशा से विधायक भी आप चुनकर गए। हाँ, एक बार बुधनी और विदिशा दोनों सीटों से वहाँ संघर्ष था कि विदिशा से लड़ो बुधनी से लड़ो, विदिशा से लड़ो बुधनी से लड़ो, तो पार्टी ने तय किया दोनों जगह से लड़ो, तब मैं दोनों जगह से जीता। गजब है, मतलब बहुत ज्यादा गढ़ है बीजेपी का, सबसे सुरक्षित सीट एक तरह से अगर एमपी में हम देखें, हालांकि संघ जनसंघ के वक्त से पहली सीट मध्य प्रदेश से ही आई, लेकिन एकदम गढ़ है, सेफेस्ट सीट, सुरक्षित सीट मानी जाती है विदिशा, अटल जी से लेकर सुषमा स्वराज जी, बहुत सारे लोग वहां से। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वहां प्यार करते हैं। अगले सवाल पर पड़ते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अब चुनावी पिच और ये गर्मी तो एक तरफ है, दूसरी तरफ सियासी पिच बहुत गर्म हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने ये सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसी बातें कही गई हैं कि वो एक्सरे करेंगे, सर्वे करेंगे आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का, उसके बाद संपत्ति का फिर से वितरण करेंगे और मुसलमानों को संपत्ति बांट दी जाएगी हिंदुओं की और जो SC ST है सबकी। क्या आप बीजेपी के इस जो इल्जाम है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर, उससे सहमत है? भारतीय जनता पार्टी बांटने की मानसिकता का विरोध करती है, हम वोट बैंक की राजनीति के विरोधी हैं, और कोई वोट बैंक की राजनीति अगर करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन वो बात आगे बढ़ी है, क्योंकि सैम पिट्रोडा जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज ही कहा है कि अमेरिका जैसे देश में एक कानून है जिसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सारी की सारी संपत्ति उसके बच्चे को नहीं बल्कि आधी आधी हो जाती है, 45% एक को और दूसरा सरकार की तरफ चली जाती है 55% संपत्ति। अब बीजेपी इसको भी जोड़ रही है कि देखिए आधी संपत्ति पर नजर है इनकी, उसको बांटेंगे, वितरण करेंगे अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को। सैम पिट्रोडा के बयान पर आपका रिएक्शन? भारत अमेरिका नहीं है। अब क्या भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं सैम पिट्रोडा या कांग्रेस? और क्या जिन्होंने अपने परिश्रम से संपत्ति थोड़ी बहुत अर्जित की है उसका बंटवारा चाहते? मैं कांग्रेस को यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का खतरनाक खेल वो ना खेले। भारत की अपनी परंपरा है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत के अपने जीवन मूल्य है, भारत के अपने संस्कार है। भारत चलेगा भारत के विचारों से, जीवन मूल्य और परंपराओं से। भारत अमेरिका नहीं हो सकता। इस तरह के जो दिमाग वाले लोग हैं उन्हीं ने कांग्रेस का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। ये कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है, इस तरह के विचारों के कारण ही समाप्ति की तरफ जा रही है। उनकी समाप्ति हुई आपकी, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी 150 सीटों पर सिमटने वाली है, डर गई है, इसीलिए पहले दौर के मतदान पर जब 102 सीटों पर हो गया उसके बाद से ध्रुवीकरण। डर के वो क्यों भगे? अमेठी क्यों नहीं लड़ रहे राहुल गांधी? मैडम सोनिया गांधी रायबरेली क्यों नहीं लड़ रही? रायबरेली जहां सबसे ज्यादा जड़ें गहरी है कांग्रेस की, जहां से मैडम इंदिरा जी भी चुनाव लड़ा करती थी, उस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार हार के डर के कारण। अमेठी टू वायनाड क्यों राहुल बाबा? हार के डर के कारण। उखड़ तुम गए, कांग्रेस तुमने बर्बाद कर दी। कांग्रेस में जो विचारवान कांग्रेसी वो छोड़ छोड़ के कांग्रेस भाग रहे। अब तुम रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भी विरोध करते हो, भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करते हो, और सोचते हो कांग्रेस बच जाएगी। ये कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 के पार जाएगी और एनडीए 400 के पार, ये हम नहीं, अब देश कह रहा है, जनता कह रही है। भगवान राम के दरबार से ही हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की, आपने भगवान राम का मुद्दा उठाया। बीजेपी भी बार बार कह रही है कि हमने न्योता दिया था, आए नहीं। वो कह रहे बीजेपी का आयोजन था इसलिए नहीं आया। हमारा भगवान राम से, हर हम सब हिंदू हैं, भगवान राम से कोई हमारी थोड़ी दिक्कत है। अब ये तो बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखा जनता का मूड, सारा देश आनंद और उत्साह से भरा हुआ था, पूरे देश ने दीपक जलाए, पताकाएं केसरिया लहराई, आनंद का उत्सव बना मना। केवल एक पार्टी रो रही थी, गम मना रही थी, वो थी कांग्रेस, क्योंकि वो 24 घंटे भारत, भारत की संस्कृति उनका नहीं सोचती, वो केवल वोट का सोचती है, वोट कैसे बचें, वोट कैसे बचें। लेकिन ऐसा ब्लंडर उनने ये किया है, ये ऐतिहासिक भूल है। जब तक ये धरती रहेगी, ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। ये कलंक, वैसे तो लंबे समय कांग्रेस बचने नहीं वाली, लेकिन ये कलंक परमानेंट लगा दिया। आपके मुख्यमंत्री के तौर पर 28 आउट ऑफ 29 छिंदवाड़ा की प्रॉब्लम थी, लेकिन 28 सीटें जा रही थी। आपको लगता है एक बार फिर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी? तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं इस बार 29 जीतेंगे। कैसे? 14 में हम जीते थे, 27 हम जीते थे 14 में, 28 जीते हम 19 में, 29 जीतेंगे हम 24 में। छिंदवाड़ा भी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए इस समय मोदी जी के प्रति देश में केवल वो नेता नहीं मानता देश उनको, उनके प्रति विश्वास श्रद्धा में परिवर्तित हुआ और श्रद्धा से आगे जाके वो भक्ति के रूप में परिवर्तित हुआ है। अडिग अटूट विश्वास, अगाध विश्वास नरेंद्र मोदी जी में लोगों का है। उनको तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री पूरा देश बनाना चाहते हैं, छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है, और इसलिए हर एक सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की भी जीत रही है। राजगढ़ 33 साल बाद वहां पर दिग्विजय सिंह खुद उतरे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो सीट भी आपके? आप दिग्विजय जी को क्या मानते हैं? वो जहाँ चले जाते हैं वहाँ कांग्रेस की हार सुनिश्चित हो जाती है। उनको आज भी मिस्टर बंटा ढार के रूप में ही लोग जानते हैं, जैसा कबाड़ा मध्य प्रदेश का किया था वो भूले नहीं है लोग अभी। और इसलिए दिग्विजय जहाँ लड़ते हैं, भोपाल आए तो बड़ी शान से सीना तान के मैं लड़ूंगा जीतूंगा, कितने वोटों से हारे। राजगढ़ में भी वो बुरी तरह से पराजित होने वाले। उनको तो उनने एक नाटक शुरू किया था, पहले से ही उन्होंने तय कर लिया था कि हारना है तो ईवीएम को बहाना बना दो, मैं 400 फॉर्म भरवाऊंगा, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। उनको 400 आदमी तो क्या, उनको 25 भी नहीं मिले पूरे के पूरे। लेकिन 400 का आप पार का जो आपका नारा है वो आपको व्यवहारिक लगता है? एकदम व्यवहारिक। तीसरे टर्म में 400 पार, 370 पार। देखिए काम के आधार पर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनकी स्वीकारिता दक्षिण के राज्यों में जैसी मैंने देखी, अद्भुत और अभूतपूर्व है। किस राज्य में सीटें आएंगी सर दक्षिण? कर्नाटक से लगा के तेलंगाना तक सब जगह सीटें आएगी। हमारी सीट आंध्र में भी आएगी, हम तमिलनाडु और केरल में भी अच्छा प्रारंभ करेंगे। आपको लग रहा है कि इन राज्यों में दक्षिण में भी प्रारंभ होगा? हाँ। अब आते हैं वापस, जो तमाम पार्टियां हैं जिसमें तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं कि फ्लॉप शो रहा पहला वाला, अखिलेश यादव कह रहे हैं फ्लॉप शो रहा, इसीलिए बीजेपी जो है अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से अब ध्रुवीकरण की तरफ। जो परमानेंट फ्लॉप हैं वो फ्लॉप शो की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता के शिखर पर है, लोगों का विश्वास है अगाध, और इसलिए हम जीत रहे हैं। वो तो फ्लॉप फ्लॉप कहेंगे। ये राहुल जी कहते थे मध्य प्रदेश में लिख लो, ये कहा था उन्होंने लिख लो 150 से ज्यादा सीट आएगी कांग्रेस की। कहेंगे 150 सीट? चुनाव के पहले दावे करते हैं, बाद में हवा निकल जाती है पूरी दावों की। पर एमपी, गुजरात, राजस्थान ये सब ऐसे स्टेट्स हैं ना सर जहां पर आपका वैसे ही पीक हो चुका है, मतलब आपने बेस्ट परफॉर्मेंसेस ले ली हैं, और सभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 हर जगह घटेगा, और अगर घटता है तो फिर 370-400। कोई सीट नहीं घटने वाली, सीट जैसे मध्य प्रदेश में एक बढ़ने वाली है, तो जहां जितनी गुंजाइश बढ़ेगी, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां गुंजाइश है वहां ज्यादा सीट बढ़ेगी। मैं केंद्र के सवालों पर इसलिए आ रही हूँ, हर राज्य पर पहुंच रही हूँ, क्योंकि अंतिम सवाल की तरफ मैं इसको ले जाऊंगी कि आपकी केंद्र में क्या भूमिका रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिस पर बीजेपी की इतनी नजर है कि हम यूपी में बड़ी अच्छी करेंगे, 62 पिछली बार आई थी जब एसपी और बीएसपी मिले थे, इस बार कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और अपने उम्मीदवार को लेकर वो कह रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, वहां पर टफ फाइट नहीं है या रामलला पार लगा दें? ये दोनों पहले भी मिले थे यूपी को, ये साथ कभी पसंद नहीं आया,
बुरी तरह हाथ और साइकिल फ्लॉप हुआ था, हाथ का पता नहीं चला, साइकिल पंचर हो गई थी। ये फ्लॉप लोग हैं, कौन इनके साथ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी अगर 80 की 80 सीटें जीत जाए तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा। एजेंसी के इस्तेमाल वाला अगला सवाल, कहते हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, इसके जरिए विपक्षी नेताओं को आपने जेल में, अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उधर हेमंत सोरेन जेल के अंदर है, तो लोकतंत्र बचाओ रैली चल रही है। क्या आपको भी लगता है कि लोकतंत्र पर जो ये एजेंसीज पर विपक्ष का आरोप है उसमें दम नहीं है? लोकतंत्र तो बचा हुआ है, मजबूत हो रहा है, दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है। अगर लोकतंत्र पर हमला किया था तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। जब मेरी उम्र 17 साल की थी, मैं पढ़ता था 11वीं में, तब मेरे जैसे बच्चों को भी जेल के सीखचों के पीछे भेज दिया था और थानों में ऐसी पिटाई हुई थी हम लोगों की कि आज भी हड्डियां जब बादल कड़कते हैं तो दुखती है। लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस लोकतंत्र की बात ना करे। खतरा लोकतंत्र पे नहीं है, खतरा है भ्रष्टाचारियों पर, खतरा है परिवारवादियों पर, खतरा उन पर है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता का धन खाया है। पहले ये होता था, नेता अगर कोई घोटाला कर दे तो जनता मानती थी कुछ होने नहीं, इनको तो जेल जानी नहीं है, ये तो जांच वाँच का नाटक होगा, बच जाएंगे। लेकिन पीएम साहब ने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जिसने गलत किया है, गड़बड़ किया है, तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी काम करती, कोई बीजेपी थोड़ी काम करती। अब वही लोग चिल्ला रहे हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, लोकतंत्र में खतरा, खतरा भ्रष्टाचारियों पर है। विदिशा से पीएम निकले, सीएम निकले, सुषमा स्वराज जी मंत्री निकली, क्या हम केंद्र में आपकी भूमिका आने वाले दिनों में देखेंगे एक मंत्री के तौर पर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का, जनता के कल्याण का। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए बीजेपी में हूँ कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, अपनी जनता की सेवा करनी है। तो बीजेपी से बेहतर और कहीं रह के नहीं हो सकती। बीजेपी ही है जो देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाएगी, विश्व गुरु बनाएगी। लेकिन जब आप एक मिशन में, आंदोलन में काम करते हैं, एक अभियान में काम करते हैं, तो आप कहाँ काम करेंगे ये भूमिका आप तय नहीं करते। अभियान मिशन तय करता है, अपने बारे में सोचने वाला आत्म केंद्रित होता है, उसको हम अच्छा कार्यकर्ता नहीं मानते। मैं अच्छा कार्यकर्ता बनने की कोशिश करता हूँ और इसलिए जो भूमिका पार्टी तय करे, अभी तो ये एक बात पक्की है, मैं सांसद रहूंगा, सांसद रहेंगे, ये पक्का है। विदिशा के लोगों के लिए एक आखिरी सवाल मैं अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रही हूँ, और वो ये है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब ये कट्टर हिंदुत्व पर आ गए ना, दूसरे फेज आते आते कट्टर हिंदुत्व पर आ गए, पर आपने अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है, आप पार्टी की सोच को लेकर और जनता के बीच में जाने वाले नेता हैं, कोई वहां पर विरोधाभास आपको दिखता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन तुष्टिकरण नहीं, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, हम तुष्टिकरण के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है जिसके आधार पर हम अपने देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व के कल्याण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की नहीं सोचते, 2047 का भारत कैसा है उसकी सोच रहे हैं। ये नेता हैं दुनिया के एकमात्र 2070 में जिन्होंने जीरो, नेट जीरो का टारगेट दिया है पर्यावरण बचाने के लिए। कोई है और इतना विजनरी लीडर? जो लोग केवल आज की सोचते हैं, वोट की सोचते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या समझे, या समझने के बाद भी समझते नहीं है। नरेंद्र मोदी सोचते हैं देश की और विश्व के कल्याण की। और एक बात अंजना जी, ये मान लीजिएगा कि भारत, जो स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। भारत हमारी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के हाथों विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा और दुनिया को दिशा और दृष्टि भी देगा। उम्मीद करेंगे कि 4 जून को एक और इंटरव्यू आपसे मिल जाए, तो फिर नतीजों वाले दिन बात करेंगे जरूर। मामा का घर से रवाना हो रहे हैं आज, कितनी रैली, आज कहां कहां पहुंच रहे हैं, अलग अलग कितनी? आज मैं पहले जाऊंगा होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में,
वहां मुझको सभाएं करनी है, उसके बाद हरदा प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं हमारे सौभाग्य से, तो उसमें मैं भाग लूंगा। उसके बाद फिर मेरी खातेगांव और बुधनी वहाँ 5-6 कार्यक्रम हैं, वो करते हुए रात को 12 बजे या 1 बजे 2 बजे कितने बजते हैं मैं वापस लौटूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत धन्यवाद, भोपाल में आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका ये कहना है कि इस बार हमारी संख्या और बढ़ेगी और 29 सीटें सारी की सारी बीजेपी की झोली में मध्य प्रदेश से जाएंगी। बहरहाल 4 जून का करना होगा इंतजार। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।